ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेनी है तो यह तो करना ही हो। भंवरे के पौधे भी हमारे पास हैं, तो ये सारे पौधे आज हम अपने जंगलों में लगाएंगे। इस देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। और प्लीज़ हमारे इस अभियान को ज़रूर सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे गांव की पाठशाला की पूरी टीम जंगलों में हरेला पर्व के अवसर पर पेड़ लगाने पहुंच चुकी है और साथ ही एक अभियान की शुरुआत भी कर रही है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा जंगल। और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न प्रकार के पौधे आज हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें से हैं बुरांस है, देवदार है, बांझ है और बमोरा। भंवरे के पौधे भी हमारे पास हैं, तो ये सारे पौधे आज हम अपने जंगलों में लगाएंगे इस अभियान के तहत। और साथियों, आप भी हमारे इस अभियान से जुड़े, और अगर आप अपने नज़दीक कहीं इन पेड़ पौधों को लगाते हैं तो प्लीज़ उनकी फ़ोटो भी हमको शेयर करें। हमारी मेल आईडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, और हमारे यूट्यूब चैनल मेरे गाँव की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम अदिति कोठियाल है, मैं मेरे गांव की पाठशाला की एक सदस्य हूं। तो आज हम आए हैं अपने जंगल की ओर। आप देख सकते हैं यहां बहुत सारे चील के पेड़ हैं। तो हम आज हरेला पर्व मनाने आए हैं, यहां पे हम पेड़ लगा रहे हैं। मेरा गांव मेरा जंगल, आप जानते होंगे कि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पानी, फल, आधा जीवन हमारा पेड़ से ही है। इसलिए हमें पेड़ को लगाना चाहिए और पेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपसे आस करते हैं कि आप भी अपने घरों में जंगलों में पेड़ लगाएं। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस अभियान को ज़रूर सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, हम मेरे गांव की पाठशाला से हैं और आज हम यहां पर पेड़ लगाने आए हैं, क्योंकि हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास एक ही तरह की प्रजातियों के पेड़ हैं, जैसे चीड़ हो गए। इसीलिए हम आज जंगल में आ रखे हैं पेड़ लगाने के लिए, ताकि हमारे जंगल में अलग अलग प्रजाति के पेड़ हो, ताकि वह हमें ऑक्सीजन दे, जल दे, ताकि इसीलिए हम यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। और क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधा हिस्सा भी हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ हमें जल देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो एक हानिकारक गैस है। नमस्कार साथियों, आज हम मेरे गांव की पाठशाला से यह पेड़ लगा रहे हैं। ये हरेला पर्व का ये प्रमुख अवसर में हमने अपने गांव में अभियान चलाया है, मेरा गांव मेरा जंगल। तो आज हम यहां पर अनेक प्रकार के पेड़ लगा रहे हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अभियान को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप हमारे इस अभियान को सपोर्ट करें, और वन ही हमारे जीवन है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाइए और इस अभियान को सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सलोनी जोशी है, मैं मेरे गांव की पाठशाला की एक सदस्य हूं। तो दोस्तों,
आज हम जंगलों में हरेला पर्व के अवसर पर पेड़ पौधे लगाने को आए हैं और साथ ही हमने एक अभियान शुरू किया है, मेरा गांव मेरा जंगल। इस अभियान के तहत हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें पानी मिलता हो, जिनसे कि हमारा पानी का स्रोत बने, ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें फल भी मिले, कई सारे फायदे हों। तो हमें हम लगा रहे हैं काफल, बांज, बुरांस और देवदार जैसे पेड़। हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, इसीलिए हमने यह अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेनी है तो यह तो करना ही होगा। और हमारे इस अभियान को और आगे बढ़ाएं और हमारे इस अभियान में हमारा साथ दें और हमारे YouTube चैनल मेरे गांव की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, और आज जैसा कि हम हरेला दिवस के इस शुभ अवसर पर एक नए अभियान मेरे गांव की पाठशाला की पूरी टीम चला रही है, वो अभियान है मेरा गांव मेरा जंगल। इस अभियान की जो शुरुआत है ये हमने क्यों की, ये मैं आपको कुछ दो तीन क्वेश्चन से बताना चाहता हूँ और उम्मीद है इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही अपने मन में विचार करेंगे और सोचेंगे। सबसे पहले, अगर आज की दुनिया में देखें या आज जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है? तो अधिकतर लोग कहेंगे पैसा, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तभी वो पैसा हमारे काम आएगा। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, आप ज़रूर सोचिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, और अच्छे वातावरण के लिए हमें शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पीने का पानी चाहिए। अब आप अपने मन में विचार कीजिए कि आप शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए या शुद्ध पानी के लिए अपनी ओर से कितनी मेहनत करते हैं। शायद ही बहुत कम लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई इस पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, कई लोग हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो समय है, आधुनिक समय विज्ञान के क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो हमारा मेरे गांव की पाठशाला का प्रमुख उद्देश्य है, हम जो भावी पीढ़ी हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ पर्यावरण, जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, उनके लिए उनको एजुकेट करते हैं। और मेरे गांव की पाठशाला एक सिंगल नहीं है, बल्कि पूरा मेरा जो गांव है, जो हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हुए, इनका सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग रहता है। और जिस प्रकार से ये अपनी इस छोटी उम्र में इन पेड़ पौधों को लगा रहे हैं और भविष्य में जाकर ये पेड़ पौधे इन्हें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे, साथ ही इनके जड़ों से जो निकलने वाला पानी होगा वो इनके लिए एक अच्छा जल स्रोत के रूप में अपने गांव में उपलब्ध होगा। जैसे कि जयप्रकाश जी ने अभी बताया है कि हमने कितने विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहां पे लगाई है, तो हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारा जंगल है वो एक ही पेड़ पे सीमित ना रह जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे जंगल में चीड़ के अधिकतर पौधे पाए जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाएँ और इस अभियान को हम अपने गांव तक सीमित नहीं रखेंगे, ना ही अपने प्रदेश तक सीमित रखेंगे, ना ही अपने देश तक सीमित रहेंगे, हम इस अभियान को पूरे विश्व में फैलाएंगे। ये छोटी सी हमारी एक कोशिश है, छोटी सी सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी सीढ़ी को अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने में आप लोग हमारा साथ देंगे और इस हरेला पर्व पर और हमारे साथ ये संकल्प लेंगे कि जैसे हमने अपने गांव में आज से एक अभियान चलाया है मेरा गांव मेरा जंगल, उसी प्रकार के अभियान अपनी प्रकृति को बचाने के लिए जो हमें यहां पे जीने दे रही है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वातावरण हो, अच्छा पीने का पानी हो, इसके लिए आप सजग होंगे। और हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हम पूरी टीम आपसे अनुरोध करती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने हमें इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों के लिए ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करना, इनकी मेहनत आपको कैसी लगी, इनके विचार आपको कैसे लगे, इसके लिए हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। और ये बच्चे भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स
क्या रहता है। धन्यवाद। हम दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे हमारे YouTube चैनल पे, हम कई अभियानों में अपना योगदान देते हैं। अभी हमने हाल ही में 20 बम अभियान में अपना सहयोग किया था माउंट वैली के साथ, तो उसमें हमने विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष लगाए थे जंगलों में जंगली जानवरों के लिए, ताकि वो जंगल तक ही सीमित रहे। तो आज हम इस अभियान के तहत ऐसे वृक्ष लगा रहे हैं जो जिनकी जड़ों में पानी होता है, निश्चित ही वो पानी कहीं इकट्ठा होगा और एक स्रोत का निर्माण करेगा, और वो पानी जो स्रोत है उसको हम अपने गांव में पहुंचा सकते हों, जिस कारण पानी की कमी हमको महसूस नहीं होगी।